हेमंत, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है? पता नहीं कहाँ चला गया, कैश थी उसमें यार, यही तो रखा था मैंने। अरे पड़ा भी होगा तो कहाँ से मिलेगा, तुमने अपना रूम देखा है? कैसे सब कुछ फैला के रखती हो? आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे दोष दोगे। देखो तुम भूल रहे हो कि इस पूरे घर का रेंट और तुम्हारे सारे खर्चे सब मैं देखती हूँ और सपोर्ट कर तो रही हूँ तुम्हें, उसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा बाय द वे थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं इस घर में ना कुछ करता नहीं। और क्या तुमने अपने पिलो के नीचे चेक करा कि वहां पे तुम्हारा वॉलेट है या नहीं? Have a look. आई थिंक ये तुम्हारा ही पैसा है। और एक बात और, हमें ना एटलीस्ट 2 महीने तो हो ही गए हैं साथ रहते रहते, और अगर तुमको फिर भी मुझ पे शक है ना या कोई ट्रस्ट इशू है तो मैं अभी चला जाता हूँ। हेमंत, मेरा मतलब वो नहीं था। बस रहन दो हिमांशी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मतलब क्या था। I'm sorry, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? देखो हिमांशी, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा टाइम ना साथ में स्पेंड करें। तुम्हें खुद याद है कि लास्ट टाइम हमने टाइम स्पेंड कब करा था साथ में? आई थिंक हमें कोई रोमांटिक डिनर पे जाना चाहिए, और मैं तुम्हें ले तो जाता लेकिन उसके लिए ना मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दोगी? ना सोच क्या रही हो, ये सब वैसे भी तुम्हारे लिए तो है, और अपने ऊपर पैसे खर्च करने के लिए ना कभी सोचना नहीं पड़ता। बेबी इसमें क्या ही होगा। हाँ अब ठीक है। और हाँ एक चीज और, शाम को ना ठीक 7 बजे टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा सा स्पेशल सरप्राइज प्लान करके रखूंगा। ओके कर रही हूँ, एटलीस्ट एक फोन तो उठा लेते। देखो यार हिमांशी,
मैं ना अभी बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। परेशान हो? क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, तुम जाने दो, तुम सो जाओ। हेमंत, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। एक्चुअली हिमांशी मेरी एक छोटी बहन है, इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वो जो सुबह तुमसे पैसे लिए थे वो भी इसके चेकअप में खर्च हो गए। पैसों का कोई बात नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला? आज जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी छोटी बहन को कैंसर है और इसके इलाज के लिए मुझे 2.5 लाख रुपए देने। मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करूँगा। और डॉक्टर ने मुझे एक स्पेसिफिक डेट दिया कि अगर कल तक मैंने पैसे जमा नहीं कराए तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। हेमंत, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपनी बहन का ध्यान रखो। मेरे पास कुछ सेविंग्स है बैंक में, मैं कल जाके बैंक से निकलवा लूँगी और वो मैं तुम्हें दे दूँगी, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सच में हिमांशी? हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो और जब तुम्हारे पास होंगे तब मुझे कर देना। थैंक यू सो मच हिमांशी। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम बस अपनी बहन का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। मनीषा, मैं बैंक जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो पार्लर बंद रहेगा। किसी भी क्लाइंट का कॉल आया तो बोल देना, थोड़ी देर में ही आएंगे। क्या नाम बताया? निहारी का। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। हाय, एक्सटेंशन पार्टी की, नेल एक्सटेंशन की। क्या नाम बताया आपने? निहारी का। ठीक है, आप बैठो, मैं आती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. दीजिए मैम नेल्स। वाओ, आपके हैंड्स तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। क्या करवाना है आज आपको? एक्चुअली मुझे ना नेल एक्सटेंशन करवाने हैं, वो मैं जल्दी जल्दी में ना घर से निकल आई है तो मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं रास्ते में ही करवा लेती हूँ। किस टाइप के नेल्स एक्सटेंशन करवाने हैं आपको? एक्चुअली मुझे ना बहुत ही रोमांटिक और एलिगेंट सा चाहिए। वो एक्चुअली क्या है ना, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है विद माई बॉयफ्रेंड एंड बस मुझे उसको दिखाना, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है मेरे नेल एक्सटेंशंस ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा अच्छा सा करना ताकि उसको पसंद आए। यू नो वॉट, हेमंत इज़ वेरी क्यूट, बहुत अच्छा है वो, उसके ऐसा बंदा मिलना ना बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना, मैं उसको लेके बहुत परेशान रहती हूँ, वो बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस मीटिंग्स में, कभी बाहर कभी कहीं, तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो आज हमारी एनिवर्सरी है इसलिए हम लोगों ने टाइम निकाला है और हम लोग मिलने जा रहे हैं। और आपको पता है वो इतने बड़े बिजनेसमैन है ना और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ना, उसको किसी से भी पैसे लेना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है उसकी आदत कि वो ना किसी से 1 रुपये भी नहीं लेता। एंड ही इज़ सो क्यूट। वन सेकेंड। हेलो यार, तुम जल्दी से पैसे ट्रांसफर करवा दो ना। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं यार रास्ते में ही हूँ, हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, तुम बस जल्दी से पैसे ट्रांसफर करवा दो, वो बार बार कॉल कर रहे हैं। ओके, तो पैसे मैं हॉस्पिटल ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम आके क्या करोगी, तुम अपना पार्लर देखो ना, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, तुम बस जल्दी से पैसे ट्रांसफर करवा दो। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, आई विल सेंड इट। एवरीथिंग इज ओके? या बेबी, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ इस डेट पे आई, मुझे ना इस पल का ना जाने कब से इंतजार था। थैंक यू सो मच। सेम ईयर। तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी बट हो ही नहीं पा रहा था, एंड फाइनली हम लोग अब साथ में हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अगर मैंने तुम्हें अभी दिखा दिया तो सरप्राइज कैसा रहेगा? पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? अरे करो ना बाबा, अच्छे से करो। ओके बाबा। ओपन करूं? रुको, और कितना टाइम लगेगा? हाँ खोलो। ओके
Do you marry me? Yes. Wow, कितनी pretty है ये. Thank you so much. ये बहुत pretty है. Thank you. तुम्हें पता है, मैंने ना हमेशा से तुम्हारे साथ ये imagine करा था कि हम शादी करेंगे. और finally, आज हम वो करने जा रहे हैं. अच्छा चलो, अब इस मोमेंट को और स्पेशल बनाते हैं. मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ खाएं? या श्योर. एक्सक्यूज मी बेटा. यस सर. यस मैम. जो भी खाना है मंगा लो. वन बनाना शेक और वन मैंगो शेक. थैंक यू. अच्छा बेबी, तुम्हें पता है मैंने ना पापा से बात करी थी तुम्हारी जॉब के लिए, कि वो तुम्हें अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी पोजीशन दे. एंड उन्होंने पता क्या कहा, कि तुम जल्दी से मेरे पास भेज दो हेमंत को. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई. अब तुम जल्दी से प्लीज़ टाइम निकाल के चले जाना. ठीक है बेबी, मैं चला जाऊँगा. यार ये हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया. हाँ यार, बहुत टाइम हो गया, पूछो ना एक बारी. हाँ मैं जाके चेक कर लूँ. हमारा ऑर्डर. हिमांशी तुम यहाँ? वेट, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे नेल एक्सटेंशन किए थे. मैं सिर्फ नेल एक्सटेंशन ही करती, मैं इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी हूँ. हेमंत, ये क्या बोल रही है और ये कौन है? बेबी ये सब झूठ बोल रही है और तुम इसकी बात मत सुनो. तुम कितने बड़े झूठे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? अरे 2 महीने से तुम मेरे फ्लैट में मेरे ही पैसों से जी रहे हो और बोल रहे हो मुझे नहीं जानते हो. अरे तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हारी छोटी बहन बीमार है उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड निकल रही है और अभी अभी तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है. और अभी देखो तुम सिर्फ पैसों का लालच दिखा रहे हो. अभी भी मैं इतना बोल रही हूँ और तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है. ये बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज इंसान है, इसने तुम्हें धोखा दिया है. ये तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे पापा के पैसों के चक्कर में तुम्हारे साथ है. बेबी तुम इसकी बातें मत सुनो. और मैंने ना ये सब हमारे लिए करा ताकि हम दोनों साथ रह पाए यार. Shut up! You cheater! तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी? और जो वो सब कुछ बता रही है, वो दिखा रही है, वो सब झूठ है. तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी और पापा से बोल कर ना इस कंट्री से तो क्या तुम्हें हर जगह से निकलवा के रहूंगी. देख लेना अब तुम. बेबी रुको यार, मेरी बात तो सुनो. तुम्हें मैंने जितना घटिया इंसान समझा था ना, तुमसे कहीं ज्यादा घटिया हो. अच्छा अबे जा, तेरी जैसी ना बहुत देखी मैंने.